गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? दैट्स सो नाइस टू हियर दैट यू ऑल आर फाइन एट होम. क्लास टू स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस महरीन यासिर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश. सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टूडेज टू इन योर टूडेज इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे द डेट इज 3 मई 2021 एंड द डे इज़ मंडे. जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट मंथ जो था हमारे पास अप्रैल का, वो एंड हो चुका है और न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है जो कि मंथ है मई का. तो आज डेट क्या है? 3 मई 2021 एंड द डे इज़ मंडे और दिन है आज का पीर. स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टास्क टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल आ एंड एन, यूज ऑफ आर्टिकल आ एंड एन, एंड अवर होमवर्क इज राइट द करेक्ट आर्टिकल आ एंड एन इन इंग्लिश होमवर्क कॉपी. आज का हमारा टास्क क्या होगा? आज हम लर्न करेंगे एक कॉन्सेप्ट आर्टिकल आ एंड एन का. आज हम आर्टिकल का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे और हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ आर्टिकल आ एंड एन. हम देखेंगे कि आर्टिकल आ एंड एन हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते होंगे. और हमारा होमवर्क है जो कि आज हम इंग्लिश होमवर्क कॉपी पर करेंगे. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू लुक द अल्फ़ाबेट्स इन फ्रंट ऑफ यू? क्या आप अपने सामने अल्फ़ाबेट्स को देख रहे हैं? वेरी गुड, यस. Students, today we will start our class by reading the alphabet through rhyme. आज हम पता है अपनी क्लास के स्टार्ट में क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट्स को राइम के थ्रू सिंग करके रीड करेंगे और आपने भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay, my student, do you know how many alphabets these are? क्या आप जानते हैं कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट्स A to Z कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास? Okay, these alphabets are 26 letters. The English alphabet consists of 26 letters. ये letters हमारे पास कितनी हैं? 26 letters. अब हमने देखना ये है कि इन 26 letters में से कितने हमारे पास vowels हैं और कितने letters हमारे पास consonants हैं. Do you know about vowels? Vowels क्या होते हैं, आपको पता है? Yes, the vowels of the alphabet, I know them all by name. A, E, I O U, A E I O U, A E I O U, I know them all by name. आपने देखा आपके पास कौन कौन से लेटर जो हैं वो वाउल्स होते हैं? A E I O U, A E I O U, A E I O U, I know them all by name. वाउल्स कौन से लेटर्स होते हैं? A E I O U. जो भी वर्ड्स इन लेटर से स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे वाउल्स के वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, अब 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो हैं वो वाउल्स के हैं, ए ई आई ओ यू. तो बाकी के सब लेटर्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. बाकी के जो भी लेटर्स हैं 21 लेटर्स, बी सी डी एफ जी एच J K L M N P Q R S T V W X Y and Z. These letters are consonants. These 21 letters are consonants. अब हमने देखना है use of article a and an. अब हमने देखना है article a और article an कहाँ use होता है. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि article an कहाँ use होता है. आर्टिकल एन यूज़ होता है वाउल्स के साथ. जो 5 लेटर्स होते हैं ना वाउल्स के, उनके साथ क्या यूज़ होता है? एन, ए ई आई ओ यू, इसके साथ क्या यूज़ होगा? एन. जिन भी वर्ड्स में
जो भी वर्ड्स वाउल्स से स्टार्ट होंगे उनके स्टार्ट में आर्टिकल एंड का यूज़ करना है आपने। जैसा कि आप अपने पास एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक एप्पल नज़र आ रहा है ना आप सबको। एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? वाउल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके स्टार्ट में क्या आर्टिकल यूज़ होगा? एंड का आर्टिकल यूज़ होगा। इसी तरह यूज़ ऑफ आर्टिकल ए देखते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल आ कहाँ यूज़ होगा। आर्टिकल आ यूज़ होगा हमारे जो बाकी के कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हैं 21, उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल आ। जहाँ भी कॉन्सोनेंट्स यूज़ होंगे वहाँ यूज़ होगा आ का आर्टिकल। जैसे कि आप अपनी एग्जांपल में देख रहे हैं, आपको एक बॉल नज़र आ रही है। बॉल किससे स्टार्ट हुआ है? कॉन्सोनेंट से ना। बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसके स्टार्ट पे क्या आर्टिकल लगा दिया हमने? आर्टिकल आ लगा दिया। प्रैक्टिस शीट, अब आपके पास आपके सामने एक प्रैक्टिस शीट है आर्टिकल्स आ और एंड की। अब आपने मुझे जल्दी जल्दी से बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल यूज़ होंगे। आर्टिकल आ यूज़ होगा या आर्टिकल एंड यूज़ होगा? ओके, नंबर वन, हमारे पास पिक्चर है बुक की, तो बुक किससे स्टार्ट हो रहा है? बुक जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो बुक के स्टार्ट में क्या आर्टिकल यूज़ होगा? आर्टिकल आ यूज़ होगा। इसी तरह आपके पास एंड की पिक्चर है, एंड के साथ क्या आएगा? एंड, बिकॉज ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह कैट के साथ, कैट के साथ क्या आएगा? कैट के साथ आ यूज़ होगा। एप्पल के साथ, एप्पल के साथ एंड यूज़ होगा। इसी तरह बो किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, तो इसके साथ क्या आएगा? आर्टिकल आ यूज़ होगा। इसी तरह आपके पास है गर्ल की पिक्चर, और गर्ल किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, तो गर्ल के साथ क्या आएगा? गर्ल के साथ आ यूज़ होगा। इसी तरह एलिफेंट, एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है वाउल से, तो वाउल के साथ क्या आता है? एन, तो क्या आएगा? एन एलिफेंट। इसी तरह इग्लू के साथ, इग्लू भी वाउल से स्टार्ट हो रहा है, तो इग्लू के साथ आएगा एन इग्लू। इसी तरह आई के साथ, आई के साथ भी एन आएगा। काइट के साथ, काइट के साथ आ आएगा, बिकॉज इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। एग, एग स्टार्ट फ्रॉम वाउल, सो एन कम्स हेयर। लास्ट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, तो ऑक्टोपस के साथ क्या आएगा? एन ऑक्टोपस। नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश होमवर्क कॉपी एंड ओपन योर कॉपीज। वेरी गुड, ओके। अब आपने अपनी कॉपीज को निकाल लिया है, आपने इसको ओपन कर लिया है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडी योर पेज बाय ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। आपने क्या करना है? राइट साइड पे मार्जिन लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसी तरह अब आपने फिर क्या करना है? आपने आज की डेट, अपनी डे, अपना जो है डे, अपना होमवर्क टॉप ऑफ द पेज पे लिख लेना है। और आपने फर्स्ट हेडिंग क्या देनी है? आर्टिकल आ एंड की। इन द नेक्स्ट लाइन आपने क्या हेडिंग देनी है? राइट द करेक्ट आर्टिकल आ एंड। आपने इन सारे वर्ड्स को इसी तरह लिख लेना है। इसी तरह आपने इसके आगे करेक्ट आर्टिकल को राइट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट टू नंबर दीज वर्ड्स। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, डू योर होमवर्क नीट एंड क्लीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे एट होम, स्टे सेफ।